गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज 7 डेज चैलेंज का मेरा डे है सेकंड। कल डे वन था, आज डे सेकंड है। तो नहा धोकर हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये भी नहा लिए, मैं भी नहा ली हूँ, बच्चे भी नहा लिए, उनको सुला भी दिया है दूध दूध पिला के। अब हम ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया हमारे, तो ब्रेकफास्ट में आज ये सारा है, पूरी अच्छे से फ्रूट्स खाएंगे हम। तो अभी फ़िलहाल हम फ्रूट्स खा रहे हैं और ये अपने ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। आज मैंने अभी एक वीडियो भी पोस्ट किया है, तो आप लोगों को भी बता दूं, हमारे पेट को ना कुछ खाने को चाहिए रात को भी। तो अगर तो आप उसे खाना दे दोगे खाने के लिए, तो वो खाने को खाएगा। अगर आप उसे खाना नहीं दोगे पेट को, तो वो आपके फैट को खाएगा। तो आप सब तो यही चाहते हो ना कि आपके फैट को कोई खा जाए और आप पतले हो जाओ। तो रात को अपने शरीर को खाना मत दो, वो आपके शरीर की चर्बी को खा जाएगा। और बड़ी सिंपल सा तरीका है अपना वेट लॉस करने का, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। ये हमारे 21 हार्ड में भी आ गया और 32 बार के फॉर्मूला में भी हम बोलते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और 32 बार का जो आपस में गठजोड़ है ना, वो अल्टीमेट है। ठीक है जी दोस्तों, टाइम हो गया लंच करने का। तो लंच में मैंने बनाई है ये ओट्स की रोटी और पनीर, और ये है धनिया की चटनी। तो ये हमारा आज का लंच है। तो अभी हम लंच एंजॉय कर रहे हैं। आप बात करना चाहते हो कुछ? हाँ, लंच करेंगे भी अभी। आज मैं थोड़ी देर बाद लाइव आऊँगा 4 बजे। खैर, आप तो वीडियो कल देखोगे, अभी 4 बजे की मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, फिर मैं अपना लंच एंजॉय करता हूँ। ठीक है जी, तो फिलहाल अभी हम लंच करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। कितनी अच्छी बात, कितनी महान। अच्छा, देवी देवी कितनी मेहनत की आपने, वो भी मेरे लिए, दो दो बच्चों को पालना, ओ ओ दही बल्ले बनाना, पनीर बनाना, चटनी बनाना, ओट्स बनाना, प्याज काटना, पनीर काटना, दही। अब हंसी आ रही है मुझे, टीवी देखना, ग्रीन टी पीना, नहाना, बाल बनाना, कपड़े पहनना, प्रेस करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, पूरी दुनिया का बोझ आपके ऊपर। कितनी अच्छी हो, कितने गंदे हो आप, फिर इसका मतलब मैं तो सबसे अच्छी हूँ और आप सबसे गंदे हो। कैसा बना? ठीक है टेस्ट? चलो वेरी गुड। इनका लाइफ शुरू हो गया है ना, तो पानी दे रही हूँ इनको, पानी चाहिए। तो गुड़िया अंदर है। अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी, अभी रुको। का दिन और हमेशा की तरह मैं आ गया लाइव आप लोगों के साथ। तो आज ही मेरा मन एकदम, चलिए जो दिखाना था वो दिखाती हूँ मैं भी आपको। दोस्तों ये मैंने सीड्स ग्रो किए हैं, ये अभी उग रहा है, दिख रहा है आपको? ये सनफ्लावर है, ये वाला, ये सनफ्लावर है, ये भी सनफ्लावर है। तो बड़ी खुशी होती है, अभी धीरे धीरे उग रहा है। मैं सोच रही थी कि ना जब उग जाएंगे ना तब आप सबको दिखाती, बट मेरे से रहा नहीं गया इतना दिन। अभी इसमें ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये उगेगा अभी, देखो देखो। ये देखो, सारे फूलों के बीच मैंने डाले थे और बहुत सारे तो ग्रो कर गए हैं और कुछ ग्रो कर रहे हैं, दिख रहा है आपको? बड़ी खुशी होती है जी, बड़ी खुशी होती है। कुछ टाइम बाद इनमें फूल भी आएंगे, थोड़ा सा और बड़े हो जाएंगे ना, तो इन्हें पॉट्स में ट्रांसफर मार दूंगी। ये लड़की इतना रोती है, इतना रोती है बुरी तरीके से, देखो। ओहो 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 ओहो, नो बेटा, पिला दी, अब का बोलू मैं, क्या दिक्कत है बता। गुड़िया को अब सुला दिया है मैंने और अभी आराम से सो रही है। आज कपड़े धोए थे तो टेरेस से कपड़े लेकर आती हूँ। दोस्तों ये ऑर्गेनिक
मूंग लाए थे कहीं से, तो एक दो महीने मैंने देखा नहीं, बीच में बनाया भी था और जब चेक किया तो इसके अंदर ना वाइट वाइट चूरा चूरा सा हो गए थे। तो इनको धोकर धूप में सुखाया है, इतने सारे मूंग है, और जो ख़राब मूंग थे वो यहाँ पे सारे फेंक रखे हैं। धोए थे ना यहाँ से टैप से पानी लेके धोया था, तो यहाँ पे झाड़ू मारनी है। और वो कपड़े धोए थे, कपड़े सूख रहे हैं, तो अब कपड़े उतार के लेके जाती हूँ नीचे। ये वाली जो साड़ी है ना दोस्तों, ये मेरी सासू माँ की साड़ी है। मेरी जेठानी जो है भाभी, उन्होंने दी थी। तो एक ये साड़ी थी और एक ये ग्रीन कलर वाली साड़ी है और एक ये है साड़ी। चार पांच साड़ियाँ दी थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो साड़ी डालते नहीं है, जो तो साड़ी पहननी हो, क्योंकि मैं तो साड़ी डालती हूँ कभी कभी। तो उन्होंने कहा अगर तो साड़ी डाले तो इसमें से मम्मी की साड़ियाँ ले ले। तो मैंने कहा एज़ अ ब्लेसिंग मम्मी की साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हुई, और दूसरा इनको बहुत ज़्यादा खुशी होगी मैं इनकी मम्मा की साड़ी पहनूंगी ना, तो इस वजह से एक ये ग्रीन वाली और ये पर्पल वाली, ये तीन साड़ियाँ मैंने उसमें से ले ली। बाकी की जो थी वो मैंने भाभी को वापस दे दी कि भाभी अभी मैं तीन ही लेती हूँ, बाकी जो अगर आप पहनना चाहो तो पहन लो, नहीं तो आपको अगर किसी को देना हो तो आप दे सकते हो। ये तीन साड़ियाँ तो मैं पहनूंगी। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आप मुझे इन साड़ियों में देखो। अभी फ़िलहाल क्योंकि साड़ियाँ थी ना, इनके ब्लाउज स्टिच कराने हैं, तो अभी धो लिए मैंने आज ये साड़ियाँ, तो अब इसका ब्लाउज स्टिच करवाऊंगी मैं। देन जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा तब आप इन साड़ियों में मुझे साक्षात देखोगे, जो मेरी सासू माँ की साड़ियाँ हैं। तो फिलहाल बातें कम करती हूँ, ये कपड़े नीचे लेके जाती हूँ, उनका पानी चढ़ा के आई हूँ, ग्रीन टी बनानी है क्योंकि जूम मीटिंग चल रही है ना, तो फटाफट ये कपड़े उतार लेती हूँ एंड देन नीचे जाती हूँ। तो मिलती हूँ ग्रीन टी के साथ आप सबसे। और हाँ दोस्तों, ये जो पीछे पौधे लगे हैं ना, इनकी भी एक कहानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और अच्छा लगता है मुझे अपनी छोटी छोटी स्टोरीज़ बताना, अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है तो मैं अपनी चीज़ें शेयर और ज़्यादा करूँगी, तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी पौधों की एक कहानी है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और जो मेरे से बहुत अटैच है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों से अटैच हूँ, तो मुझे बहुत प्यारे हैं ये पौधे, बहुत 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 प्यारे हैं। दोस्तों उनकी जूम मीटिंग चल रही है, तो उनको मैं ग्रीन टी दे रही हूँ। एक इंटरव्यू में बताया कि श्रीदेवी की जो मौत है ना, वो डाइटिंग की वजह से हो गई। तो श्रीदेवी ने इतनी ज्यादा डाइटिंग कर ली कि उसने ना बिना नमक का खाना, उसने नमक खाया ही नहीं बहुत लंबे समय से। तो ऐसा पागलपन भी कोई मत करना कि काफी लंबे समय तक नमक ही छोड़ दो। नमक खाना बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, आयोडीन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरी ग्रीन टी है, उनकी ग्रीन टी उनको दे आई हूँ, और जो ऊपर से टेरेस से कपड़े लाई हूँ उसको तय लगाती हूँ, साथ ही साथ अपनी ग्रीन टी पीती हूँ और इन्जॉय करती हूँ। दोस्तों अभी हम घूमने जा रहे हैं, गुड़िया थोड़ी सी बीमार है, मेडिसिन दे दी है इसको। नहीं जरूरत नहीं है, बच्चे हमारे साथ हैं, नन्नू आगे बैठा अपने पापा के साथ, पापा गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे आप सबसे बातें कर रही हूँ। दादाजी मेरी बहन को वाहन भी नहीं पढ़ना था, वहां पढ़ रही है। दोस्तों हम आए हैं पिज्जा हट, बच्ची सो रही है, बच्चे की पापा बच्चे को खिला रहे हैं आराम से। हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, बाकी बच्चे खा रहे हैं, गुड़िया सो रही है। तो जी अब हम आ गए हैं घर, और नन्नू आने के बाद अपने सारे कपड़े कर लिए थे गीले, तो इसके अभी कपड़े चेंज किए हैं। आज जो छोटी गुड़िया है उसकी हो गया है फीवर, तो आज इसलिए नन्नू अपने ताई जी ताऊ जी के पास सोएगा रात को, क्योंकि ये हमारे बीच में सोता है ना,
बट आज गुड़िया को हमारे बीच में सुलाऊंगी क्योंकि उसके फीवर हो रहा है, मेडिसिन तो दे चुकी हूँ उसके। बाकी डॉक्टर जिस टाइम इसके फीवर हुआ था तब तक डॉक्टर थे नहीं अपनी सीट पर, तो डॉक्टर के सुबह जाएंगे हम लोग। तो अभी यही है, अब भूख नहीं है मुझे इसलिए अब दूध पी लूँगी रात को डिनर में, और फिर ग्रीन टी पी के अपना बच्चों को गुड़िया को संभालना मेन। तो नन्नू तो नींद में ही हो रहा, अभी जाने के 15-20 मिनट बाद ये सो ही जाएगा नीचे, और हो सकता है मैं इसको सुला के नीचे भेजूँ। तो देखते हैं जी, जो भी होगा आपको बताऊँगी, अपडेट दूँगी। नन्नू बाय कर दो सबको, बाय बाय। नमस्ते कर दो, नमस्ते कर दो, जय कर दो, जय जय कर दो, जय राधे राधे कर दो ना, राधे राधे कर दो, राधे 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 करो, राधे 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 राधे। फ्लैंक किस कर दो, फ्लैंक किस, आह मम्मा को पाली कर दो, मम्मा को पाली कर दो। एक और, एक और, अब नहीं करेगा, मूड पे डिपेंड करता है इसके। तो जी अब ननू बाय कर दो, बाय बाय। ये अपने ताऊ जी ताई जी के पास सोने जा रहा है आज, बाबा बस अब गिर, ठीक है ठीक है, वही गिर जाता अभी, ठीक है जी। ननू के जाते ही ननू की बहन जग गई है और ननू के पापा थोड़ा सा रिफ्रेश हो रहे हैं फोन चलाकर। हाँ जी क्या हुआ बेटा, बुखार हो रहा जिसको, सौ बुखार हो रहा है इसको। देखो यार मेरे ये ना गर्दन वाली हड्डी दिखने लग गई, हल्की हल्की शाइन आने लग गए, तो पहले चेहरा हल्का हो रहा था, अब ऊपर से नीचे 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 असर आ रहा है, तो अब हल्का हल्का ये दिख रहा है मेरे को ये चीज ना। चलो अच्छी बात है, डॉक्टर का कॉल आने वाला है। अच्छा अभी आएगा, अच्छा अच्छा। दोस्तों हमारी ये जो गुड़िया है इसको बुखार हो गया है, सौ बुखार, हटना एक सेकंड। और इसको अभी क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है और आज संडे का दिन है, तो ज़्यादातर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं भी नहीं है, तो सुबह सुबह हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे। अभी हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया है एक दो डॉक्टर से, तो उन्होंने कहा कि इसको स्पंज करो और इसको दवाई दे दो, दवाई हमने दे दी है, और साथ में उन्होंने कहा है कि भाई इसको मदर फीड ज़्यादा से ज़्यादा दो। तो ऐसे में मैंने कहा है तन्नू को कि भूल जाओ 21 हार्ड वगैरह सब कुछ, आप भी कुछ हेल्दी सा खाओ और इस गुड़िया को भी, ताकि मदर फीड अच्छे से मिल सके। तो अभी इस समय मैं तन्नू को कह रहा हूँ तन्नू 21 हार्ड होता रहेगा और आप कुछ खा लो और बच्चे को फीड कराओ, ठीक है ना। आज जो है हमारा मुन्ना जो है वो नीचे सोएगा अपने ताऊजी ताईजी के पास, क्योंकि गुड़िया बीमार है। और क्वेश्चन भी जो है वो मैंने लाइव में आज बहुत सारे कर दिए, तो आप लाइव वीडियो देख लेना, बाकी कल करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कल तक गुड़िया आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से, कल सुबह तक गुड़िया जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ है बुखार, कोई ज़्यादा देर पहले नहीं, लेकिन हो गया। ये आज तक कभी बीमार हुई नहीं जब से पैदा हुई है, तो भगवान करे आगे भी कभी ना हो। तो ये लो तनु, मैं उधर वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ। ठीक है कर लो फटाफट, कुछ खा लो। मेरे को वैसे भूख तो नहीं है, भूख हो या ना, बाकी हो, आप 9 बज गए हैं ना, तो दूध पीने के लिए फोन, आप खाना खा लो, ये सब छोड़ के खाना खा लो, छोड़ दो इसको, फोन छोड़ दो, कर लो या कोई फिल्म थोड़े चल रही है, छोड़ दो इसको, आप खाना खा लो। चलो ठीक है जी, मैं फिर दो रोट्स खा लेती हूँ, हालांकि मैं 7:30 के बाद नहीं खाती हूँ, बट आज 9 बज रहे हैं, बट इन्होंने कहा कि कुछ खा ले तभी फिर बच्चा अच्छे से ले पाएगा, एंड मील स्किप मत करो। तो ऐसी कोई मेजर भूख नहीं है इसलिए दूध और ओट्स खा लूँगी मैं भी,
और क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। और ग्रीन टी मैं एक पी चुकी हूँ सुबह से, अब दूसरी पीने की मेरी आज इच्छा नहीं है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बच्ची बीमार है ना, सुस्त है, तो देखते हैं जी सुबह तक ठीक हो जाएगी, दवाई तो हम दे चुके हैं और बस ठीक हो जाएगी पूरा, लग रहा है मुझे बुखार है, ठीक हो जाएगा। मिलती हूँ आप सबसे कल नए जोश के साथ, नई एनर्जी के साथ और एक अच्छी खबर के साथ कि बच्चा ठीक हो गया, बुखार ठीक हो गया, जो पूरी उम्मीद है कि सुबह तक बच्ची ठीक हो ही जाएगी। चलिए जी कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ प्रे करना कि बच्चा ठीक ही रहे, हमारा भी आपका भी सबका भी, बच्चे तो कभी बीमार होने ही नहीं चाहिए, नहीं तो मतलब समझ सकते हो एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बच्चा बीमार होता है ना, तो बस ठीक है जी बाय।